इस उपाय को अपनाने के बाद दांत दर्द की समस्या कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दांत दर्द के कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके द्वारा अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी होता है कि आपको अचानक दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इतना तेज होने लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाने तक का वेट नहीं कर सकते। तो उसी स्थिति के लिए मैं आपको आज ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अपनाकर आप तुरंत मिनटों में उस दांत दर्द से आराम पा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। और फिर एक बार आपका दांत का दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद आप डॉक्टर को भी ना दिखाएं तब भी चल जाएगा। और याद रखना, कितनी भी गंभीर दर्द कैसा भी हो, मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वह आपके दांत के दर्द को तुरंत मिनटों में आराम कर देगा और दर्द को गायब कर देगा। अगर दर्द खूब तेज से हो रहा है तो अचानक दांत का दर्द क्यों होने लगता है जिसे हम सहन नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे यह दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाए। आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने वाला हूँ, पर उससे पहले जानेंगे दांत दर्द के लक्षण और कारण क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दांत दर्द होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, दांत दर्द होने के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अक्सर आपका दांत दर्द अचानक इसलिए करता है जब आपके दांत की नसें खराब हों और आपके दांत में सड़न हो और उसके बावजूद आप कोई ठंडा चीज जैसे दही वगैरह कुछ भी या ठंडा पानी पी लेते हैं। इसका आपके दांतों में लगने के कारण आपका दांत दर्द अचानक शुरू हो जाता है। एक कहानी यह भी है कि जब आपका दांत सड़न के मारे खाए हुए होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, और आप कोई मीठा चीज खाते हैं तो वह आपके दांत में जाकर जब फंसता है तब भी आपके दांत का दर्द अचानक होने लगता है। एक कारण यह भी है कि यदि आपको कोई दांत की बीमारी जैसे मसूड़े में सूजन, कीड़े लगना होता है तो आपका दांत का दर्द कभी भी शुरू हो सकता है। इसके बाद आइए दोस्तों, हम जानते हैं दांत दर्द के लक्षण। दोस्तों, मुझे आपको लक्षण बताने की तो जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी मैं बता देता हूँ। लक्षण सिंपल यही होता है कि जब आप कोई ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोई ठंडी चीज खाते हैं, कोई मीठी चीज खाते हैं, तो आपके दांत एकदम कनकना जाते हैं और उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों में कोई छोटी से छोटी सुई को चुभो रहा है। सिर्फ एक दांत की वजह से आपका पूरा गाल दर्द करने लगता है, जिससे पूरे दांत दर्द करने लगते हैं। आपके दांतों के जबड़े और मसूड़े दोनों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, हमने जान लिया कारण और लक्षण, अब हम सीधा आएंगे उनके उपाय के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है यह वीडियो जो भी देखेंगे उनके दांत में दर्द होगा। इसलिए चलते हैं इनके उपाय के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं। लौंग के द्वारा आप अपने अचानक उठ रहे दांतों के दर्द को लौंग की सहायता से शांत कर सकते हैं। बस आपको करना यही है कि 5 से 6 लौंग लेना है और उसे सिलबट्टे पर या किसी चीज पर कूट लेना है। कूटने का मतलब आपको उसे बिल्कुल चूर्ण की तरह बना लेना है। उसके बाद आपको एक चुटकी में पिसा हुआ, मतलब कूटा हुआ लौंग लेना है और फिर आपको इस लौंग को उस दांत के ऊपर रखना है जो दांत आपका दर्द कर रहा है, रख के दबा लेना है और मुंह बंद कर लेना है। और आपको यह तब तक रखना है जब तक आपका दांत दर्द ठीक ना हो जाए। मुंह में रखने के बाद इसके अंदर से जो रस निकलेगा उसे आपको थूकना नहीं है, अंदर घटक जाना है। बस आप ऐसा कर दीजिए, आपका दांत का दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। तुलसी के पत्तों के द्वारा इस उपाय में आपको यह करना है कि आपको तुलसी के कुछ पत्तों को लेना है, जैसे 8 से 10 तुलसी के पत्ते। उसके बाद आपको इन पत्तों को निचोड़कर इनका रस निकाल लेना है और फिर उस रस को अपनी उस दांत पर डालना है जो दांत आपका दर्द कर रहा हो, और फिर 20 मिनट तक आपको मुंह बंद रखना है। यह उपाय भी आपके दांत दर्द को चुटकियों में दूर कर देगा। देखते हैं अगला उपाय कौन सा है। ठंडे तेल के द्वारा
दोस्तों इस उपाय में ठंडे तेल से, मेरा मतलब दोस्तों ठंडा तेल आप जानते होंगे, वह जो सिर दर्द होने पर लगाते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको करना है कि थोड़ी सी साफ रुई लेना है और इस रुई को ठंडे तेल से पूरा भिगो देना है और इसको उस दांत पर रखना है जो आपका दांत दर्द कर रहा हो, और फिर दूसरे दांत की सहायता से इस रुई को दर्द होने वाले दांत के ऊपर से दबा दें और फिर तब तक ना हटाएं जब तक आपका दर्द बिल्कुल ठीक ना हो जाए। ऐसा करने से आपका दांत का दर्द सेकंड में गायब हो जाएगा। चलते हैं अगले उपाय की ओर। लहसुन के इस्तेमाल के द्वारा, लहसुन के एंटीबायोटिक गुण दांत दर्द को दूर करने में बेहद प्रभावी होते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल के लिए लहसुन की कलियों को कूटकर उसमें नमक या काली मिर्च मिलाकर दर्द हो रहे दांत पर लगाएं, इससे आपको काफी राहत मिलेगा। हालांकि इस उपाय को अपनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि लहसुन का इस्तेमाल काटकर नहीं बल्कि कूटकर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से लहसुन से तेल का स्राव होता है जो दांत दर्द को ठीक करता है। सरसों का तेल, दांत के दर्द से परेशान है तो 3 से 4 बूंद सरसों के तेल में एक चुटकी नमक डालकर दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथ से मसाज करें। इससे न सिर्फ दांतों में दर्द से आराम मिलेगा बल्कि मसूड़े भी मजबूत होंगे। सरसों के तेल का इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके दांतों की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये थे कुछ साधारण से उपाय जिनका प्रयोग कर आपके दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही एक बात का खास ध्यान रखें, इनमें से कोई भी उपाय करने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है या फिर कोई ठंडी या मीठी चीज नहीं खानी है, नहीं तो इसका परिणाम यह होगा कि आपका दांत का दर्द फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे इस बात का ख्याल जरूर रखें। अब बात करेंगे दोस्तों अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत में कभी दर्द ना हो और आपके दांत में कभी सड़न ना हो तो उसके लिए आपको अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा जो इस प्रकार है। आपको रोजाना मुंह धोना है, वह भी 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद। अपने दांतों में फंसे खाने के कड़ को साफ करना है। दोस्तों एक दांत साफ करने का धागा आता है जो आपको मालूम होगा, उसी धागे से आपको नित दिन अपने दांत को साफ करने हैं। कोई भी मीठा चीज खाने के बाद आपको अपने दांत तुरंत गर्म पानी से धोने हैं, मतलब आपको गर्म पानी से कुल्ला करना है। इससे आपके दांत में फंसे हुए खाने के अंश निकल जाएंगे जिससे आपके दांतों में सड़न नहीं होगी। दोस्तों आपको एक अच्छे टूथपेस्ट से अपने दांत को दिन में 2 बार धोना है जो आपको दांतों के सड़न से बचाएगा। धन्यवाद।